हेलो स्टूडेंट, दिस इज अ लास्ट वीडियो फॉर योर चैप्टर पॉवर्टी एज ए चैलेंज। द लास्ट टॉपिक इज द चैलेंजेज अहेड, मतलब कि हमारे आने वाले समय में किस प्रकार की चैलेंजेज हमारे सामने होंगी, किस तरह से उन चैलेंज से हम निपटेंगे, क्या क्या चैलेंजेज होंगी, इन सारी चीज़ों को इस टॉपिक के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। यू सी हियर, पॉवर्टी हैज़ सर्टेनली डिक्लाइंड इन इंडिया एंड पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। डिसअपॉइंट द प्रोग्रेस इफ आवर कंट्री हैज स्लो टर्म पैस प्रोग्रेस, तो विद अ स्लो टर्म प्रोग्रेस इट इज इम्पॉसिबल टू रिड्यूस द पॉवर्टी फाइनली फ्रॉम आवर कंट्री। इट इज अ बिग चैलेंज बिफोर अस। वाइड डिस्पार्टीज इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड अमंग डिफरेंट स्टेट, and there is a differences in the poverty ratio in rural and in urban area, there is big difference. Certain social and economic groups are more vulnerable to poverty. Kuch सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप ऐसे हैं जो पॉवर्टी के कारण इस समाज में जो वांछनीय हैं नेग्लेक्टेड किए गए हैं। पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर एंड द पॉवर्टी रेशियो इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू मेक अ बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। मीन्स आप ये 2011-12 के कैलकुलेशन को आप पढ़ रहे हैं, जो भी आंकड़ा सरकार के द्वारा ली गई थी, अभी जो वर्तमान समय 2020 में आप पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, 2021-22 में फिर से नई कैलकुलेशन का टाइमिंग आ जाएगा, तो 2021 और 22 के बाद आप न्यू जब कैलकुलेशन को पढ़ेंगे तो कौन सी चेंजिंग हुआ था, किस प्रकार की चेंजिंग अभी होगा हमारे इस कंट्रीज के लिए गए नए नए स्टेप में पॉवर्टी रेशियो को हटाने के लिए, ये सारी क्लियरिटी हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि यू विल गेट अ नाइस प्रोग्रेस इन द टेक्स नेक्स्ट ईयर्स इन द नेक्स्ट डिकेड्स। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एनिमेल्ट्री एलिमेंट्री एजुकेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अलॉन्ग विद दीज थिंग्स द इन द राइट चैप्टर राइटर सेज दैट दिस वुड बी ओनली पॉसिबल when our higher economic growth, we have higher economic growth, when we will increase our stress, when we will provide free education to all over the poor people in the country, whenever the people will decline the population, whenever we will make increment in the to empower the women and also to the needy person who are economically weak in the society। तो जब तक ये सारे स्टेप हमारे द्वारा नहीं लिए जाएंगे तब तक यहाँ से पॉवर्टी रेशियो को मेंटेन करना इट इज़ नॉट वेरी ईजी। द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउएवर कैप्चर्स ऑनली ए लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली मीन्स टू पीपल। द पॉवर्टी ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी
however, captures only a limited part of poverty really means to people. Poverty ka real mean kya hota hai? People. It is about a minimum subsistence level. And the government always make a calculation on the basis of minimum requirement. What is the maximum requirement? What is the reasonable level of living? Government never tried to get this information because the maximum requirements will be very great points to improve the ratio of poverty in the country. So with the help of minimum subsistence level, the government tries to solve the poverty ratios problem in its data. Many scholars also advocate that we must broaden the concept into human poverty, and some scholars also advocate samarthan karte hain, batate hain ki jo human poverty mein ke liye jo concept hai, is concept ko aur adhik bada kiya jaye. A large number of people may have been able to feed themselves. Badi sankhya mein logon ka jo people have ability to feed themselves, but if they start to do it, but I hope people is also not trying to help each other, but they have to see that do those suffering people have education, have they shelter or health care or job security or self confidence. We have to see all these things in those people. Without having these things, it is impossible to reduce the poverty ratio from our country. Are they free from caste and gender discrimination? We have to also see here, all those people were free from caste and gender discrimination or not. Is the practice of child labor still uncommon? Or kya child labor ka practice bhi common hota hai? Worldwide experience shows that with development, the definition of what constitutes poverty also changes. Poverty ka jo ratio hai, koi constant rahne wali cheez nahi hai. Jo bhi world ka jo ranking mila hai, jo uski एक रिपोर्ट आई है, उससे पता चलता है कि पावर्टी रेशियो जो है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती है. मीन्स टू से दैट पावर्टी रेशियो आप देख सकते हैं कितना अधिक था पहले इंडिया में ही, अब कितना लो लेवल पर आ चुका है. होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड दम minimum necessary in terms of only income to all people by the end of next decade, but the target will move far. Many of the bigger challenges that still remain, providing health care, education and job security for all, and achieving gender equality and dignity for the poor, these will be even bigger task. Aur yahan pe jo badi task ko mana gaya hai, ye badi task kya hai ki agar hum पीपल्स को, हु आर सफरिंग पीपल, उनको अगर बड़े चैलेंज अगर उनको रखना है तो प्रोवाइडिंग हेल्थ प्रोवाइड करना होगा, एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा, जॉब सिक्योरिटी देना होगा और जेंडर इक्वलिटी देना होगा. जेंडर इक्वलिटी तो लग रहा है समाज में हो गया, अगर जेंडर इक्वलिटी नहीं होता तो इतनी सारी जो लेडीज़ हैं ये PCS थोड़े बनती, आर्मी से लेके पुलिस तक की जॉब थोड़े ना करती. तो ये सारी चीज़ जो है ये शो कर रहा है कि नाउ इन द प्रेजेंट टाइम इन आवर कंट्री द वुमेन आर आल्सो गेटिंग देयर जॉब इन द फील्ड ऑफ एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस, एवरीवेयर. सो डिग्निटी ऑफ पुअर इज आल्सो ग्रेट पॉइंट्स हियर टू
do by us. So all these things are very, very helpful to all of us. And now finally we have completed this chapter. You have to write here some questions has been given there with the help of your textbook. You will write all these answers in your copy. You have 9 questions and you have to write all these 9 questions in your HW, because all the questions are given in the textbook. When you will get help from it, you will find everything clear to complete this answer. So okay students, now you will do it. This is your homework. Okay, goodbye. Thank you.